ईमान मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है, लौह कलम तेरे हैं। हम बारह वफात का जुलूस सड़कों पर निकाल के हम समझते हैं कि हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अदा कर दिया, जबकि आपकी मोहब्बत का असल हक ये है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों पे न सिर्फ खुद अमल करें बल्कि आपने तमाम समाज के लोगों को इनकी प्यारी बातें बताएं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। आपने फरमाया वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उससे नाराज हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ों का अदब छोटों से प्यार, जो ऐसा ना करे वो हम में से नहीं। तो आइए हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों को समाज में लोगों तक पहुँचाएँ और ख़ुद भी उस पर पाबंदी से अमल करें। इस तरह हम समाज में फैली हुई बुराइयों को कम करेंगे और अच्छाइयों को फैलाएंगे। यही असल दीन है। मैं आर यार खान अलीक NDTV 3-4-5 के लिए हिंदुस्तान से शुक्रिया। पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर तबा सल्ले अला का है, दुरुदुन पर सलामुन पर यही कहना खुदा का है।